सब्सक्राइब टू आवर चैनल प्रेस द बेल आयकॉन. विद्यार्थी मित्रांनो, पाळण्यातले पाय हे तिसऱ्या पाठाचे स्वाध्याय प्रश्नोत्तर घेऊन आम्ही आपल्या सेवेत आलो आहोत. अजीज तुलबा तालिबात जमाते नहुम के पाळण्यातले पाय इस सबक का आज हम स्वाध्याय करेंगे. उम्मीद है कि पिछले वीडियो आपको पसंद आए होंगे. हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आखिर तक देखिए. चलिए शुरुआत करते हैं पाळण्यातले पाय. आयजक खालील गुणाचं एक उदाहरण लिहा. आयजकचा चौकसपणा, आयजकचा बोलकेपणा, यानी जो दिए गए जो नुकात है उसके बारे में आपको लिखना है, उसकी उदाहरण लिखना है. आयजकचा चौकस यानी चतुरपणा, आसपासच्या घडामोडीबद्दल कुतूहल, यानी आजूबाजू की चीज़ों के बारे में थोड़ी सी तजस्सुस रखना. आयजकचा बोलकेपणा, दिवसभर आजीला खूब प्रश्न विचारने, यानी उसकी जो बोलने की जो आदत थी वो क्या थी, अलग अलग किस्म के सवालात करना. चलिए फिरत्या चक्राच्या निर्मितीचा अवघेदा तयार करा, यानी जो फिरती चक्री थी वो कैसे तैयार हुई, तो उसका आपको फ्लो चार्ट ओघ तख्ता यानी फ्लो चार्ट आपको शजरी खा आपको रवा खा का तैयार करना है. और वही चीज़ें हम अगले क्लिप में देखेंगे. एक लहानसा डबा तयार केला, एका खेळा ठोकून तो पवन चक्कीला जोडला, एक मोठा उंदीर पकडून डब्यात बंद करून ठेवला, डब्यातला उंदीर बाहेर पाडण्यासाठी डब्यातला डबा फिरू लागला, उंदराबरोबर डब्बाही फिरायला लागला, पवन चक्की फिरायला लागली. क्या किया उसने, पहले एक डब्बा लिया, डब्बे में कीला लगाया, उसको पवन चक्की को जोड़ा और एक बड़ा सा चूहा पकड़कर डब्बे में डाल दिया. और डब्बे के बाहर निकलने के लिए क्या कर रहा था, चूहा धड़पड़ कर रहा था, भागने की कोशिश कर रहा था. तो वो कोशिश कर रहा था तो डब्बा घूम रहा था, डब्बे के साथ साथ पवन चक्की भी घूम रही थी. आयजकचे का खालील बाबतीचा विचार लिहा, यानी पाण्याबाबत विचार आणि हवेबाबत विचार. ये मर्दजैल चीज़ों के बारे में आयजक की जो बातें हैं वो लिखिए, यानी उसे क्या सोचता था इस बारे में. पहली चीज़ हवा के बारे में, हवेत जर ढग पळवण्यासाठी शक्ती आहे तर तिचा उपयोग करून घ्यायला पाहिजे, यानी हवा में अगर बादलों को भगाकर ले जाने की ताकत है, शक्ति नहीं ताकत है, तो उसका इस्तेमाल होना चाहिए. दूसरा, पाणी की शक्ती काय, दगडगोट्याने आपल्याबरोबर वाहून नेण्याची शक्ती जर वाहत्या पाण्यात आहे तर मग पाण्याकडून आणखी काही काम करून घेता येईल. पानी में अगर भगाकर ले जाने की शक्ति है, जब वो दगड़ गोटो यानी छोटे छोटे पत्थरों को भगाकर ले जा सकती है, तो उसकी ताकत का भी हमें इस्तेमाल करना चाहिए. खालील वाक्यातून आयजकचे कोणते गुण दिसून येतात ते कंसातील यादीतून शोधा व लिहा. सृजनशील, जिज्ञासू, कुतूहल, आळशी, कर्तव्य तत्पर, अबोल. पहा ढगांना कशी पळवत आहे, उंदराबरोबर डबाही फिरायला फिरायचा आणि पवनचक्कीही. मोठी पवनचक्की तयार व्हायचा आत आपण लहान पवनचक्की तयार करावी. आजी वारा कुठे राहतो. अब देखिए इसमें एक जवाबात पहले का है कुतूहल, दूसरे का है सृजनशील, तीसरे का है सृजनशीलता और चौथे का भी है कुतूहल. तीसरे में जैसे कि हमने इससे पहले देखा था, जैसे कि मोटी पवन चक्की तैयार व्हायच्या आत आपण लहान पवन चक्की तैयार करावी, इसके लिए कर्तव्य तत्पर भी आप यूज़ कर सकते हैं. चलिए कारण लिया. आजीला राग आला कारण, यानी दादी को गुस्सा आ गया था, इसी वजह क्या है. आजी ने आयजकला दूसऱ्या गावाच्या शाळेत टाकले कारण, यानी दादी ने आयजक को दूसरे गाँव की स्कूल में डाले थे उसकी वजह. आजीला राग आला, आजी को गुस्सा आ गया था कारण आयजक तरे वाईक बोलणे आणि वेग वागणे तिला पसंद नव्हते. के आयजक का जो मकसद के तहत जो बातचीत करना और हर चीज़ है तो लॉजिकली समझाने की कोशिश करना उन्हें उसे पसंद नहीं था. आजी ने आयजकला दूसऱ्या गावाच्या शाळेत टाकले. आजी ने दादीजान ने आयजक को दूसरे शहर के दूसरे गांव के स्कूल में डाला, उसकी वजह क्या थी. कारण मुलाने नीट शिकावे, सारावे, सवरावे ऐसे तिला वाटत होते कि बच्चे ने अच्छा सीखना चाहिए, अच्छा सीखना सवरना चाहिए, ये ऐसा उन्हें लगता था. खालील वाक्य प्रचाराचा व म्हणीचा योग्य अर्थ शोधा व लिहा. जो गज़ल में दिए गए वाक्य प्रचार है यानी कि फ्रेजेस है यानी मुहावरे है उसका
सही मतलब निकालो और उसका जवाब लिखो। चैन न पढ़ने, चैन करने, मजा करने, अस्वस्थ होने यानी अस्वस्थ होने, इसका जवाब हम देखेंगे। मुलाचे पाय पाड़ने दिसतात, पायावरचे पांघरून बाजून होते होने, बालवयातच त्याच्या भविष्यातील कर्तृत्वाची चुणूक दिसणे, मुलाचे पांघरून फेकून देणे, यानी बचपन में ही बालवयातच त्यांच्या भविष्यातील कर्तृत्वाची चुणूक दिसणे, पहले का अस्वस्थ होने, दूसरा बालवयातच त्याच्या भविष्यातील कर्तृत्वाची चुणूक दिसणे। हे स्वामत है न्यूटनच्या बालवयातील तुम्हाला आवडलेला प्रसंग लिहा। दुसरा, मोठेपणी तुम्हाला कोण व्हावेसे वाटते त्याविषयी तुमचे मत का सकारण शब्दबद्ध करा। चले प्रश्न के उत्तर देखते हैं। न्यूटनच्या बालवयातील तुम्हाला आवडलेला प्रसंग कोणता? गावाजवळच्या डोंगराजवळ एक प्रचंड पवनचक्की बसवली जाणार आहे असे करताच न्यूटन ताबडतोब तिकडे धावला। गाँव के पहाड़ के करीब एक पवनचक्की बिठाई जाने वाली थी, ये समझते ही न्यूटन भागते हुए वहाँ पर गया। कुतूहलाने व आनंदाने त्याने त्या मजुरांना काम पाहत बसला। तजस्सुस और खुशी से वो मजदूरों का काम देखने लगा। एवढेच नव्हे तर उत्सुकतेने त्याने मजुरांना अनेक प्रश्न विचारले। इतना ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा तजस्सुस से उसने बच्चों मजदूरों से कई सवाल किए। हा न्यूटनच्या बालवयातील प्रसंग मला खूप आवडला। न्यूटन के बचपन का ये जो मंजर था ये मुझे बहुत पसंद आया, ये वाक्य बड़ा पसंद आया। या प्रसंगातून आयझक न्यूटनची जिज्ञास वृत्ति दिसून येते। इस वाक्य से आयझक न्यूटन की जो तजस्सुस रखने वाली आदत है वो समझ में आती है। तसेच बाल सुलभ इतर खेळात त्याचे मन रमत नाही, वैसे ही बच्चों के जो खेल है उसमें उसका दिल नहीं लगता। तर अशा प्रकारच्या वेगळ्या कार्याच्या कुतलत्याचे बालपणी जागृत होते। तो इस किस्म के अजी अलग किस्म के काम करने का जो तजस्सुस है उसके अंदर बेदार होता है। यावरून मोठेपणी तो मोठा शास्त्रज्ञ होणार हे दिसून येते। इस वजह से ये समझ में आता है कि वो बड़ा होकर एक बड़ा साइंटिस्ट बनेगा, साइंसदा बनेगा, इस समझ में आता है। न्यूटन के पाळण्यातले पाय या प्रसंगातून दिसतात, न्यूटन के पालने में के पैर इस वाक्य से दिखते हैं, समझ में आते हैं। मोठेपणी तुम्हाला कोण भावेसे वाटते त्याविषयी तुमचे मत स्वसा कारण शब्द वर करा। बड़े होकर तुम्हें क्या बनना है इसकी वजह आप अपने अल्फाज में यहाँ लिखिए और उसकी मिसाल भी दीजिए, उसकी वजह भी बताइए। सकारण, मला खूप शिकावेसे वाटते, वो मोठेपणी उत्तम शिक्षक व्हावेसे वाटते, मुझे बहुत ज़्यादा तालीम हासिल करना लगता है और बड़ा होकर एक मुअल्लिम यानी टीचर बनना लगता है। शिक्षक होऊन मला लहान मुलाच्या कोवळ्या मनावर चांगले संस्कार करायचे आहे। एक मुअल्लिम होकर, एक टीचर होकर, उस्ताद होकर, मास्टर होकर मुझे बच्चों के ऊपर जहन पर अच्छे संस्कार करना है ऐसा लगता है, अच्छी तरबियत करना है। आज सर्वत्र अज्ञान व दारिद्र्य, आज हर तरफ बेइल्मी और गुर्बत है, दारिद्र्य यानी गुर्बत, अंधार दाटलेला आहे यानी उसका अंधेरा फैला हुआ है। शिक्षक झाल्यामुळे मला नवीन पिढीला ज्ञानदान करता येईल। अगर मैं टीचर हो जाऊंगा तो नई पीढ़ी को मैं इल्म दे सकूंगा। वो पीढ़ी छान शिकली कि सहज दारिद्र्याचा अंधार दूर होईल और जब ये पीढ़ी सीख जाएगी तो गुर्बत का जो अंधेरा है दूर हो जाएगा। आज सर्वत्र मानवतेची हानि होताना दिसत आहे, आज हर तरफ इंसानियत का नुकसान होते हुए दिखता है। शिक्षकांच्या भूमिकेतून मला नवीन विचारांचा नवीन माणूस घडवता येईल और मुअल्लिम के किरदार से मुझे एक नया ख्यालात और नया आदमी, नया इंसान बनता हुआ या नया इंसान बनाता हुआ मुझे महसूस होगा या घड़ा होता येईल यानी मैं बना सकूँगा। भारतीय उच्च मूल्य त्यांच्या मनात पेरून माणूस की जपणारा समाज मला निर्माण करता येईल। भारत के जो अजीम इकदार है, उच्च मूल्य यानी अजीम इकदार है, अच्छी बातें हैं वो मैं उनके मनात यानी दिल में और पैर दूंगा। मानुष की यानी इंसानियत जपनारा समाज मरना वाला निर्माण करता येईल, इंसानियत जपने वाला समाज मुझे बनाते आएगा। म्हणून मला मोठेपणी उत्कृष्ट शिक्षक व्हावेसे वाटते, इसलिए बड़ा होकर मुझे बेहतरीन उस्ताद होने का लगता है। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। उससे पहले एक भाषा अभ्यास का एक क्लिप है, इसे देख लीजिए।
ये इसमें कुछ बहुत ही अहम चीज़ें हैं, जैसे कि मी शाड़ा जातो, मी शाड़ेत जातो, शाड़ा और शाड़ेत इसमें क्या फ़र्क है, सिर्फ त का फ़र्क है, ये त का फ़र्क क्या है। फिर और दूसरे वक्त देखते हैं, राम मित्राशी बोलतो, रेशम पालीला घाबरते, कल्पना दुकाना जाते। अब मित्र पाल दुकान ये क्या है। अब देखिए जो पहला वो वाक्य देखे थे हमने, तो वो दो वाक्यों में शाड़ा और शाड़ेत ये दो शब्द थे। वैसे ही नीचे है, नीचे जो है जैसे कि मित्र पाल दुकान, शील ला मित्र मित्राशी, पालीला पालीला, दुकानात त, तो ये जोड़ने वाले जोड़ शब्द है। तो ये क्या है, प्रत्यय लगना पूरी का बोले तो उसको क्या बोलते हैं, सामान्य रूप है ये। ये बदल के क्या करे हैं, सामान्य रूप बदले हैं और शब्दात मूल रूप वाला सरल रूप मानता, यानी जो उसका असल लफ्ज़ होता है उसे सरल रूप कहते हैं। जैसे कि दुकान सरल रूप है दुकान, और दुकान दुकाना ये क्या है, सामान्य रूप है। तो इसी किस्म के हम और वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।